हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित कुमार और आज हम बात करने वाले हैं न्यू फ़ोन जो सैमसंग का आ रहा है उसमें डीबगिंग ऑन करने के लिए। आपको बताएंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। तो आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटिंग है, और सेटिंग में सबसे नीचे में जाइएगा तो ये अबाउट फ़ोन आएगा। एक यहाँ पे तो अबाउट फ़ोन में देखिएगा यहाँ पे कि अबाउट फ़ोन के बाद कोई भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लास्ट जो है अबाउट फ़ोन है। आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको फिर यहाँ देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन होगा। आपको जो है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ देखने के मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बिल्ड नंबर होगा। देखिए यहाँ पर बिल्ड नंबर जो है BUILD बिल्ड नंबर पे कंटिन्यू आपको जो है क्लिक करना है और तब तक क्लिक करना है जब तक कि आपका फ़ोन का पैटर्न होगा तब पैटर्न खुलेगा, और नहीं तो फिंगरप्रिंट होगा तो फिंगरप्रिंट खुले मांगेगा आपसे, या फिर पासवर्ड रखे होंगे आप तो पासवर्ड। तो अभी जो है हम कंटिन्यू क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ़ोन का पैटर्न मांग रहा है तो फ़ोन का पैटर्न हम डाल रहे हैं इसमें। और इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा जो है डीबगिंग ऑन हो गया है। और इसके बाद यानी कह सकते हैं डीबगिंग का जो सेकेंड स्टेप है ऑन हो चुका है, और थर्ड स्टेप जो है अभी बताएंगे आपको हम, और उसके बाद इसको बैक कर देंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट फ़ोन के बाद जो है ये आ गया डेवलपर ऑप्शन, ये जो पहले नहीं था। जैसा कि हमने बताया आपको कि लास्ट जो है अबाउट फ़ोन है, लेकिन अब जो है डेवलपर ऑप्शन लास्ट हो गया। डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपको जाना है नीचे में। और इसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो फंक्शन है फीचर जो है फ़ोन का खुल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा फ़ोन का। इसमें देखिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको हुआ USB डिबगिंग, देख रहे हैं आप USB डिबगिंग, तो इसको जो है USB डिबगिंग को इनेबल कर देना है। और उसके बाद फिर कन्फर्मेशन के लिए अलाउ यस USB डिबगिंग को ओके कर दीजिए। अब डिबगिंग जो है ऑन हो चुका है, और अब जो है डिबगिंग ऑन हो गया है। उसके बाद जो है आप अपना USB केबल के माध्यम से आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, PC में या फिर TV में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ब्लूटूथ से भी, आप सब फंक्शन दिया हुआ है, ब्लूटूथ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और TV में कैसे कनेक्ट करना है और लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करना है, डेस्कटॉप में कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए एक वीडियो हम ऑलरेडी बना रखे हैं और जा करके आप वहाँ से वीडियो को देखिए। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। बिल्कुल हम आपको जवाब देने के लिए यानी कि आंसर देने के लिए आपको हमेशा हम तत्पर हैं। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इसी तरह का टेक्निकल से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक्निकल से वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।